तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? देखो भाई, जिन बच्चों को यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल है ना की तैयारी बच्चों यहां पर करनी है ना, मैथ्स एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने यूपीएससी में रखा हुआ है और आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो देखो बच्चों बता दूं मैं आपको, मैं बिल्कुल भी किस प्रकार की कोई सनसनी नहीं फैलाता हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग YouTube पर क्या करते हैं, यहाँ करके सनसनी फैलाते हैं कि इस बार ये आएगा कि मुझसे पूछ के पेपर बनाया गया है और इस बार ये ज़्यादा मैंने रख दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बच्चों यहां पर पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होगा, मैं तो यही सलाह दूंगा और मैं सही सलाह देता हूं, और मैंने पूरा सिलेबस बच्चों अच्छे से पढ़ाया हुआ भी है। आप चाहें तो YouTube से भी पढ़ सकते हैं, YouTube पर ही बच्चों मेरे सफिशिएंट वीडियो हैं। और अगर आपको बिल्कुल अलग से पढ़ना है कि आपको बिल्कुल अपने यूपीएससी के हिसाब से चीज़ें चाहिए होंगी, तो बच्चों प्ले स्टोर पर आपको जाना होगा, मोबाइल के प्ले स्टोर पर जा करके आप HD मैथमेटिक्स का बच्चों एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उस एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेस हैं, लगभग 40 के आसपास अलग अलग कोर्सेस हैं, जिसमें से एक कोर्स आपका यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का भी, इसमें आपको स्टोर पर जाकर के सर्च करना होगा। और बच्चों ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस है, बिल्कुल बेसिक से है, जिन बच्चों के बेसिक स्ट्रांग नहीं है उनके बेसिक भी स्ट्रांग हो जाएंगे, और बिल्कुल A to Z ये बिल्कुल पूरा सिलेबस आप लोग पढ़ लेंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस है बच्चों, रिकॉर्डेड की फॉर्म में है, क्योंकि मैं लाइव क्लास नहीं पढ़ाता हूँ। लाइव क्लास में क्या होता है, समय ज़्यादा ख़राब होता है, पढ़ाई कम होती है, और कहीं पर भी अगर आप लाइव क्लास पढ़ेंगे तो मुश्किल ही है कि अपना आप कोर्स पूरा कर पाएं, क्योंकि लाइव क्लास में ड्रामा ज़्यादा होता है, पढ़ाई कम। ये पूरा है कंप्लीट सिलेबस, रिकॉर्डेड वीडियोस की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप जब भी कम ज़्यादा जैसे भी हो बच्चों यहाँ पर आकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो और इसमें आपको, इसके अलावा आपको कोई भी किताब नहीं चाहिए, मतलब मैं कोई भी किताब बच्चों को कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, आपको कोई किताब नहीं चाहिए। इसमें सफिशिएंट बच्चों वहाँ पर असाइनमेंट भी हैं, टेस्ट भी हैं, और सफिशिएंट क्वेश्चन है, इतने अगर आपने कर लिए तो ये मान लीजिए कुछ भी बचकर नहीं जाने वाला, और सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, कुछ भी मैंने वहाँ पर छोड़ा नहीं है, जाकर आप दे भी सकते हैं। अपने सिलेबस पर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने कितने वीडियो किस किस टॉपिक में वहाँ पर अपलोडेड हैं, वो खुलेंगे नहीं, कुछ एक दो फ्री वीडियोज़ हैं वो खुल जाते हैं, लेकिन बाकी वीडियोस बच्चों वहाँ पर तभी खुलेंगे जब आप वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो आप पढ़ने को तो यूट्यूब से भी पढ़िए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, है ना। और मेरा मतलब मेन एम ये है कि बच्चे पढ़ें, बच्चे मैथ्स को सीखें, बच्चे मैथ्स से डरे नहीं, ये बच्चों मेरा यहाँ पर मेन मोटिव है। बाकी अगर आपको कोर्स लेना है तो आप, मतलब ये पेड कोर्स है और यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है। तो चलिए बच्चों जल्दी से जल्दी, अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है, क्योंकि इसकी तैयारी में बेटा थोड़ा टाइम तो लगता ही है, देखो इतना आसान नहीं कि आज आप सोचें और आप 3 महीने में तैयारी कर लें, कम से कम 1.5-2 साल तो बच्चों को लग ही जाते हैं सब कुछ अच्छे से पढ़ने में। तो चलिए बच्चों हम लोग अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ओके बेटा, बाय बाय।